इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी है उनसा शाह, उनसे हम मुस्तकबिल की पेशगोइयां लेंगे, जानेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है पाकिस्तानियों के लिए। उनसा, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो उनसा, क्या सूरत हाल रहने वाली है अभी फिलहाल इस पूरे हफ्ते? होरोस्कोप क्या बता रहा है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं? जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं और एरीज वालों का आने वाला दिन या आने वाला जो टाइम है, कोई गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है। जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकती है। और जो भी प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले हफ्ते के बारे में, पॉजिटिव प्लानिंग होनी चाहिए आपकी और होपफुल रहना चाहिए। बस थोड़ा सा लव लाइफ इनकी थोड़ी सी मुतासर होती हुई नजर आ रही है, कुछ स्टक सिचुएशन हो सकती है। शादी के हवाले से एरीज वाले थोड़ी परेशानी का सामना कर सकते हैं, कुछ डिलेज नज़र आ रहे हैं। और टॉरस वालों का आने वाला टाइम जो है, पैसे खूब खर्च हो रहे हैं टॉरस वालों के, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस। पैसे तो सभी के खूब खर्च हो रहे हैं, सिर्फ टॉरस वालों के नहीं, महंगाई इतनी हो गई है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। टॉरस वालों को थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी मसरूफियत रहेगी लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए। वर्क प्लेस पे जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहस से थोड़ा सा जो है वो साइड पे रहें, वरना किसी के साथ कोई झगड़ा भी हो सकता है, बॉस के साथ या अपने कुलीग के साथ, किसी के साथ भी जो है वो उनका झगड़ा हो सकता है। जेमिनी वालों के लिए थोड़ी ब्लॉकेजेस हैं, नींद की कमी हो सकती है, ओवरथिंकिंग जेमिनी वाले करते हुए नजर आ रहे हैं अपने जॉब से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन ये है कि अपनी नींद जो है जेमिनी वालों को पूरी करनी चाहिए, वरना सेहत उनकी मुतासर हो सकती है। जेमिनी के बाद कैंसर वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। कैंसेरियंस वाले हैप्पीनेस नज़र आ रही है, खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, रिलेशनशिप लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। काम के हवाले से कैंसर जो है वो कुछ कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई मकान खरीद सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी बाय सेल करनी है तो वो भी इनका काम हो जाएगा। और कोर्ट में अगर केसेस चल रहे हैं तो फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ घर में रेनोवेशन, ऑफिस कोई नया खरीद रहे हैं या रेनोवेशन हो रही है। लियो वाले जो है सोच समझ के पैसा खर्च करें, वरना कुछ ऐसे लोग इनके पास आ सकते हैं जो जिस जहां से जो चीट हो सकता है, यानी कि धोखा मिल सकता है और पैसे इनके फंस सकते हैं। लियो वालों की लव लाइफ अच्छी रहेगी, प्रपोजल आ सकता है, शादी के मसले मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, मंगनी बात पक्की हो सकती है, कोई प्रपोज उनको कर सकता है। लियो के बाद वर्गो वालों के लिए भी गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ख्वातीन कंसीव करती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर कोई किसी के साथ नाराज़गी हो गई है, बातचीत बंद हो गई है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो मैसेज कोई कांटेक्ट आ सकता है, उसके साथ बात हो सकती है। और वर्गो वालों के लिए थोड़ा सा काम में, जॉब में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। कहीं जॉब अप्लाई की है तो हो सकता है कि वहां से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई दोस्त उनको हर्ट कर सकता है। सही है। और वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए भी यहाँ पर खुशखबरी है, कंसीव कर सकती हैं। और जॉब से रिलेटेड अगर कहीं जॉब अप्लाई की है तो इंटरव्यू कॉल आ सकती है। बिजनेस में भी बेहतरी नज़र आ रही है। बस लिब्रा वालों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हैंगमैन की एनर्जी है, तो लव लाइफ इनकी थोड़ी स्टक हो सकती है। शादी के मसले मसाइल इनके थोड़े से प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो वाले अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं वो दूसरों से डिस्कस नहीं करें, शेयर नहीं करें, वरना जो है वो उनको मतलब धोखा मिल सकता है, कोई चीट कर सकता है। और उनका काम जो है होते होते नहीं होगा, तो कोशिश करें कि काम होने से पहले लोगों से शेयर नहीं करें। घर में जो भी चीज़ें हैं, जहां आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, संभाल के रखें, वरना चोरी भी हो सकती है। स्कॉर्पियंस थोड़ा फ्यूचर को लेके इनसिक्योर रह सकते हैं,
जो है वो पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, जॉब ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये ऐसे उनके जहन के वहमात है और कुछ भी नहीं है। पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस का, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो स्कॉर्पियंस का एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो के बाद है सजिटेरियस, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है सजिटेरियस वालों की, हनीमून पीरियड हो सकता है, शादी जो है कि सारे मामला अच्छे नज़र आ रहे हैं, शादी होती भी नज़र आ रही है, और शादियां बहुत करवा रही हैं, बच्चे बहुत आप कंसीव करा रही हैं, कारोबार में जॉब में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। और सेहत अगर उनकी सही नहीं थी तो नजर आ रही है। और कैप्रिकॉन वालों के जिन लोगों के कोर्ट वगैरह में केसेस चल रहे हैं उनको फेवर मिल सकता है, शादी के काफी कैप्रिकॉन वालों के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्ता फिक्स हो सकता है, लव लाइफ बैलेंस हो सकती है, काम में थोड़ा पैसों में रुकावटें आ सकती हैं, डिलेज हो सकते हैं, काम होते होते थोड़ा स्लो चीज़ें होती नहीं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं शायद उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता काम अपना एफर्ट्स जो हैं वो करते रहें। एक्वेरियस वालों की लव लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कोई उनकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी के हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लव लाइफ बहुत स्ट्रक थी, शादीशुदा मामला एक्वेरियस वालों के अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब बेहतरी नज़र आ रही है, रोमांटिक टाइम नज़र आ रहा है एक्वेरियस वालों का। बिजनेस में ये कि करियर में ग्रोथ नज़र आ रही है, प्रमोशन हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, और अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो सकता है। पाइसिस वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है, कंसीव करते हुए नज़र आ रही हैं खवातीन, और बच्चों पे थोड़ा तवज्जो दें, पाइसिस वाले उनके अपने बच्चे हैं तो थोड़ा बच्चों की स्टडी, बच्चों की एक्टिविटीज़ उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और करियर में कोई जॉब के हवाले से इंटरव्यू कॉल आ सकती है, बस पाइसिस वालों को जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ सारे काम करने हैं, चाहे लव के मामला हों, शादी के मामला हों, कारोबार के मामला हों, पेशेंस के साथ डील करना है। चलें जी उनसा, बिल्कुल ये सबने सुन लिया होगा कि हफ्ता उनका कैसा रहने वाला है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आगे जनाब कहा ये जा रहा है कि आई थिंक सो 9th of August या 8th of August को सेमियाँ भी तैलीर हो जाएंगी और केयर टेकअप सेटअप आ जाएगा, कितना तवील होता देख रही हैं आप इस निगरान सेटअप को? इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा मतलब ये हायर अथॉरिटीज ट्रू ऑफ सोर्स का कार्ड है, इनडिसाइसिव है कि कब होगा, अभी डेट मुझे नहीं लगता कि जल्द ही अनाउंस की जाएगी इलेक्शन की। हाँ ये है कि निगरा सेटअप जो है, जो निगरा हुकूमत जो आएगी वो भरपूर फायदा उठाती हुई नजर आ रही है, मैजिशियन का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, तो जो एक मजबूत सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई जो और लंदन से फ्लाइट कब आ रही है? देखिए अभी बातचीत हो रही है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है तो कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आने की उम्मीद है, बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन आने वाली बात नहीं हो रही, एक्शन नहीं लिया जा रहा। महंगाई कब हो रही है? महंगाई जो है वो फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, महंगाई तो कम नहीं होती भी नजर आ रही, अब एक चीज महंगी हो जाए तो वो कहाँ कम हो सकती है, फूल की एनर्जी है, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बस थोड़ा लोग जो है वो महंगाई को हल्का लें, दिल पे ना लें, ज्यादा बेहतर है। सही, चले जी, ओके, थैंक यू सो मच उनसा, आपने अपना वक्त और सबको बताया कि करना क्या है, किसको एहतियात करनी है। और मैं आखिर में एक ही बात कहूँगी नाज़रीन, आप जनाब अपना मामला ना अल्लाह पे छोड़ दिया करें, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो ना किसी इंसान से उम्मीद ना लगाएं, उम्मीद लगानी है तो सिर्फ अल्लाह से लगाएं। आप देखिएगा अगर ये ईमान ये यकीन आपके दिल में पक्का होगा ना तो आपका वो काम ज़रूर होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज।
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।